ये हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के कुछ एम्बैरेसिंग एंड फनीस्ट मोमेंट्स। ट्रेनर ने इस लड़की पर जोर लगाया और लड़की का पाद फूट पड़ा। जिम मेंबरशिप के पैसे बचाने के लिए घर पर जुगाड़ बनाना इस पहलवान को महंगा पड़ गया। इस पहलवान को आज समझ में आया कि टांगे मजबूत होने के साथ साथ कच्छा भी थोड़ा मजबूत होना जरूरी है। अब इनको कहते हैं ईगो लिफ्टर। इनका फॉर्म चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन इन्हें शो ऑफ करने के लिए बहुत सारा वजन उठाना होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उसैन बोल्ट बनने की कोशिश में इस लड़के की चड्डी उतर गई। लड़की को ताड़ने के चक्कर में बंदा ट्रेडमिल से नीचे गिर पड़ा और फिर उसको इंप्रेस करने के लिए पुशअप करने लगा। ये मोहतरमा जिद की पक्की है, एक बार गिरने के बाद भी ये दोबारा खड़ी होकर गिरना जानती है। कुछ लोग घर पर कसरत करने के लिए एक्सरसाइज बैंड का इस्तेमाल करते हैं और ये रबर के बैंड कभी कभार दर्दनाक पीड़ा दे जाते हैं। रूस के रहने वाले इस लड़के ने अपने बाजुओं में ऑयल इंजेक्ट करके इन्हें बड़ा बना दिया था, जिसके बाद उसके हाथों की हालत खराब है। लेकिन अब इन्हीं अजीब और बेडोल हाथों पर एक लड़की का दिल आ गया है। अब ये कपल मिलकर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं। अब इस कसरत को क्या कहते हैं और ये कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करती है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता देना भाई। आजकल कुछ बॉडी बिल्डर सब्जी में जितना ऑयल नहीं डालते उससे कहीं ज्यादा अपने मसल्स में इंजेक्ट कर लेते हैं और शायद इन्हीं की वजह से ऑयल महंगा होता जा रहा है। ये ट्रेनर इस बच्चे को स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। एक साल तक इस तरह मेहनत करने के बाद ये बच्चा दीवार पर चलना शुरू कर देगा। कोरोना काल में जिम बंद होने के बाद लोग घर पर नए नए तरीकों से वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस पहलवान ने अपने दोस्त को ऑक्टोपस की तरह अपनी पीठ पर चिपका लिया। हैवी वर्कआउट के दौरान अगर आपके पास एक सपोर्टर हो तो वो आपकी सुरक्षा का ख्याल रख सकता है, लेकिन इन तीन तूचियों को शायद ही पता नहीं था कि सपोर्ट कैसे लगाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।